असल माने में शारे सीमा वेलकम बैक व नदर विडीपिटल स्मार्ट सिटी आज ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है और आज कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो है वो एक मेगा इवेंट होने जा रहा है साइट पर आज की जो इवेंट है उसमें काफ़ी अनाउंसमेंट्स है वो एक्सपेक्टेड है उनमें से मेजर अनाउंसमेंट वन ऑफ द टॉप अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग द न्यू मास्टर प्लान ऑफ़ लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्चिंग ऑफ न्यू ब्लॉक वस इज बेस्ट बैलेटिंग ऑफ एग्जेक्टिव ब्लॉक दैट आर नॉन बैलेटेड और उसके अलावा एग्जैक्टिव ब्लॉक के लिटिगेटेड प्लॉट्स हैं उनके बारे में जो है वो मल्टीपल अनाउंसमेंट्स है वो की जाएंगी लेकिन आज की जो वीडियो है दैट इज़ स्पेशली अबाउट द ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक मैं आपको ओर वेस्ट वेस ब्लॉक के बारे में जो है वो बताऊँगा जो कि लॉन्च किया जा रहा है और उसकी क्या प्राइसेज हैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में तकरीबन हम जो है वो पाँच पॉइंट्स कवर करेंगे रिगार्डिंग द ओवसीज वेस्ट वेस ब्लॉक नंबर वन साइज ऑफ प्लॉट दैट आर गोइंग टू बी लॉन्च डायमेंशनल प्लॉट्स प्लस प्राइस ऑफ प्लॉट्स फिर ओवरसीज़ वेस्ट की लोकेशन अगर हम मैप पे देखें तो वो कहाँ पे आती है एंड नंबर फाइव कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस विद द ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक ये टोटल पाँच पॉइंट्स हैं जो कि आज की वीडियो में मैं जो है वो कवर करूंगा अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ रिगार्डिंग द साइज ऑफ प्लॉट्स तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक लॉन्च होने जा रहा है उसमें चार साइजेस के प्लॉट्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं पाँच मला प्लॉट सात मला प्लॉट दस मला प्लॉट और एक केनाल के प्लॉट्स इस दफा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो है वो बारह मरला के प्लॉट्स है वो नहीं लॉन्च किए सिर्फ चार कैटेगरी के, के प्लॉट है वो लॉन्च किए हैं अगर हम डायमेंशन की बात करें तो पांच मल्ला का प्लॉट जो है वो पच्चीस बाय पैतालीस का हंड्रेड एंड ट्वेंटी स्क्र यार्ड्स अगर हम सात मला प्लॉट की बात करें तो इसका साइज बनता है तीस बाय तिरपन का और ये तकरीबन वन सेवेंटी फाइव स्क्ड का जो है वो प्लॉट बनता है अगर हम दस मला प्लॉट की बात करें तो इसका साइज बनता है पैंतीस बाय पैंसठ का और ये टू हंड्रेड फिफ्टी स्क्वेयर यार्ड का जो है वो प्लॉट बनता है अगर हम एक केनाल के प्लॉट की बात करें तो ये पचास बाय नब्बे का प्लॉट है और ये टोटल फाइव हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड का जो है वो प्लॉट बनता है अब अगर हम बात करें प्राइसेस की तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो है वो 4.5 पॉइंट फाइव के पेमेंट प्लान पे जो है वो ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक को जो है वो लॉन्च किया है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे जो है वो लॉन्च किया है अगर मैं पाँच मला प्लॉट की बात करूं तो टोटल पाँच मला प्लॉट की टोटल प्राइस है ट्वेंटी नाइन लाख नाइन्टी थाउजेंड और इसकी डाउन पेमेंट बनती है टेन परसेंट से टू लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड टोल प्राइस जो उनतीस लाख नब्बे हज़ार रुपये है और डाउन पेमेंट दो लाख निन्यानवे हज़ार रुपये है कन्फर्मेशन की बात करें वो भी जो है वो टेन परसेंट है टू लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड और अगर हम इसकी क्वार्टरली पेमेंट्स की बात करें तो इसकी क्वार्टरली पेमेंट है वन लाख थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी एटी नाइन रुपीज़ मतलब हर तीन महीने बाद तकरीबन आपको जो है वो एक लाख तैतीस हज़ार रुपये की जो है वो किस्त देनी पड़ेगी जो कि अगर मंथली अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट फोर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ बनते हैं अब अगर हम सात मला प्लॉट की बात करें तो सात मला प्लाट की टोटल प्राइस है थर्टी नाइन एटी थाउजेंड डाउन पेमेंट टेन परसेंट से थ्री लाख नाइन्टी एट थाउजेंड रुपीज़ से और कन्फर्मेशन भी टेन परसेंट थ्री नाइन्टी एट थाउजेंड रुपीज़ और अगर हम क्वार्टरली पेमेंट की बात करें तो टोटल जो क्वार्टरली पेमेंट बनती है हर तीन महीने बाद वो आपकी किस्त बनती है वो है वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी नाइन रुपीज़ तकरीबन आपको लगभग आपको सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ की जो है वो हर तीन महीने बाद पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप सात मला का प्लाट जो है वो बुक करवाते हैं अब अगर हम दस मला प्लाट की बात करें तो दस मला प्लाट की टोटल प्राइस है फिफ्टी फोर सेवेंटी थाउजेंड डाउन पेमेंट टेन परसेंट से फाइव लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज़ और कन्फर्मेशन भी 10% परसेंट फाइव लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज़ अब अगर हम क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की बात करें दस मल्ला प्लाट की तो ये बनती है टू लाख फोटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एलेवन रुपीज़ मतलब तकरीबन दो लाख पैंतालीस हज़ार रुपये हर तीन महीने बाद है वो आपको पे करने पड़ेंगे जो कि मंथली तकरीबन एटी वन थाउजेंड रुपीज़ जो वो बनते है बनते हैं अब अगर हम कनाल के प्लाट की बात करें तो टोटल प्राइस बनती है एटी नाइन लाख एटी थाउजेंड रुपीज़ टेन परसेंट से जो है वो आपकी बुकिंग है वो बनती है एट लाख नाइन्टी एट थाउजेंड रुपीज़ टेन परसेंट जो वो है वो कन्फर्मेशन है एट लाख नाइन्टी एट थाउजेंड रुपीज़ और अगर हम क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की बात करें कि हर तीन महीने बाद जो है वो कनाल के प्लॉट की क्या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती है तो वो है थ्री लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एलेवन रुपीज़ मतलब तकरीबन चार लाख रुपया जो है वो आपको हर तीन महीने बाद जो है वो पे करना पड़ेगा और अगर मंथली बात करें तो अराउंड अबाउट वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ आपके जो वो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट बनते हैं ये कैबिट स्मार्ट सिटी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है हुआ है कि के कैबड स्मार्ट सिटी ने फोर पॉइंट फाइव ईयर्स का जो है वो पेमेंट प्लान लॉन्च किया है और वो भी इजी इंस्टॉलमेंट्स पे मतलब आपके पाँच मला प्लॉट की जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है दैट इज अराउंड फोर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ जो कि सात मुला प्लॉट की बनती है दैट इज अराउंड सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ जो दस मला प्लॉट है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है अराउंड अबाउट एटी वन थाउजेंडें रुपीज़ और जो एक किल का प्लॉट है उसकी टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है अराउंड अबाउट वन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ ये बहुत ज्यादा फिजिबल पेमेंट प्लान पर पे जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो है वो लॉन्च किया है और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लॉन्च किए हैं अब अगर हम बात करें ओवरसीज़ वेस्ट और ओवरसीज़ प्राइम टू जो लॉन्च हुआ था जो रिसेंटली इससे पहले जो ब्लॉक लॉन्च हुआ था उसकी प्राइसिस के कंपैरिजन का कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो ऑलरेडी ब्लॉक लॉन्च था उससे कम प्राइस में जो है वो लॉन्च किए हैं मुल्की हालात को देखते हुए और जो हमारा करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए सोसाइटी ने जो वो पेमेंट प्लान काफ़ी ज़्यादा फिजिबल रखा है अब अगर बात करूँ मैं प्राइसेस के कंपैरिजन का ओवरसीज वेस्ट और ओवरसीज़ प्राइम टू के प्राइसेस का कंपैरिजन का तो ओवरसीज़ प्राइम टू में पांच पन्ला का प्लॉट जो है वो सोसाइटी ने लॉन्च किया था थर्टी वन का और ओवरसीज़ वेस्ट में भी जो लॉन्चिंग किया है वो है ट्वेंटी नाइन तकरीबन जो है वो लगभग आपका वन लाख सिक्सटी थाउजेंड का जो है वो डिफरेंस है वो सीज वेस्ट में जो प्राइस है वो तकरीबन एक लाख साठ हजार रुपये जो है वो सोसाइटी ने जो है वो प्राइस जो है वो कम रखी है अब अगर बात करें सात मला प्लॉट की तो सात मला का प्लॉट सोसाइटी ने वो सीज प्राइम टू में लॉन्च किया था फोर्टी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का और ओवरसीज वेस्ट में लॉन्च किया थर्टी नाइन लाख एटी थाउजेंड का जो तकरीबन डिफरेंस जो आ रहा है वो दो लाख सत्तर हजार रुपये का जो है वो डिफरेंस आ रहा है जो कि सोसाइटी ने प्राइस जो है वो कम रखी हैं इन कंपैरिजन टू ओवरसीज प्राइम टू अब अगर दस मल्ला की बात करें तो दस मल्ला का ओवरसीज प्राइम टू में जो दस मल्ला का प्लॉट था उसकी टोटल प्राइस थी फिफ्टी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड और ओवरसीज वेस्ट में जो दस मल्ला का प्लॉट लॉन्च किया उसकी है उसकी टोटल प्राइस है फिफ्टी फोर लैख सेवेंटी थाउजेंड तकरीबन जो डिफरेंस आता है वो टू लैख एटी थाउजेंड का जो है वो डिफरेंस आता है सात मल्ला का और दस मल्ला का प्राइसिस का जो डिफरेंस है वो तकरीबन जो है वो सेम है ओवरसीज वेस्ट का और ओवरसीज प्राइम का अब अगर हम बात करें एक केनाल के प्लॉट की तो एक केनाल का प्लॉट ओवरसीज प्राइम टू में लॉन्च किया था सोसाइटी ने नाइनटी फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड का और अभी ओवर सीज वेस्ट में लॉन्च किया है एटी नाइन लाख एटी थाउजेंड रुपीज़ का टोटल जो डिफरेंस आता है वो तकरीबन पांच लाख सत्तर हजार रुपये का आता है अब बहुत से क्लाइंट्स की तरफ से जो है वो सवाल किया जा रहा था कि मोस्ट प्रोबली जो ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक लॉन्च किया जा रहा है इसकी लोकेशन जो है वो क्या होगी देखिये सोसाइटी ने ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक की लोकेशन जो है वो कोई भी अनाउंस जो है वो नहीं की बहुत से जो डीलर्स है इस चीज़ को मार्केट करे थे कि दैट इट विल बी इन द इन फ्रंट ऑफ द इंटरचेंज लेकिन जो कैबरा स्मार्ट सिटी के ऑपोजिट साइड है एम टू मोटरवे से मार्गला हिल्स के दरमियान में जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज़ टू बनता है उसमें जो इंटरचेंज के फ्रंट पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी दैट विल बी हाई राइज कमर्शियल्स कोई भी सोसाइटी रेजिडेंशियल प्लॉट्स वहाँ पे नहीं लॉन्च करेगी वहाँ पे जिस तरह फेज़ वन में हमने देखा गेट प्रिस्ेंट और एविएशन डिस्ट्रिक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इंटरचेंज के सामने बिल्कुल लेके आए थे तो इसी तरह मोस्ट प्रॉब्लली वहाँ पे हाई राइज कमर्शियल्स यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है वो लेके आएंगे जो ओवरसीज़ प्राइम टू होगा उन कमर्शियल्स के बैक साइड पे होगा और जो अगर हम ओवरसीज़ वेस्ट की बात करें तो दैट इज मोस्ट गोइंग टू बी इन द ऑपोजिट ऑफ ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक जो फेज वन में हमारा ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है वो ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक होगा और अभी वहीं पे जो है वो डेवलपमेंट की जा रही है अब बहुत से क्लाइंट्स की तरफ से जो है वो सवाल आ रहा है कि अगर ये पेमेंट प्लान जो है वो फोर पॉइंट का जो है वो लॉन्च किया जाता है तो क्या इसको साढ़े साल ही लगेंगे डेवलप होने में और बैलेटिंग के लिए जो है वो कम अज़ कम हमें दो तीन साल का वेट करना पड़ेगा देखें बिल्कुल ऐसा नहीं है ओवरसीज़ वेस्ट की जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी ने ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट कर दी है उस पर दिन रात जो है वो काम हो रहा है और फॉर द पास्ट थ्री मंथ्स कैपिटल स्मार्ट सिटी जितनी भी मशीनरी थी वो सारी ओवरसीज़ वेस्ट में जो है वो डिप्लॉय कर दी और अभी वहाँ पर तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है जहाँ तक ओवरसीज़ वेस्ट की बैलेंटिंग का ताल्लु है मोस्ट प्रोबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कैपिटल स्मार्ट सिटी में ये एक्सपेक्टेड है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवर वेस्ट को जो है वो बैलेट कर देगा और जहां तक इसके पोजीशन का ताल्लुक है तो मोस्ट प्रोबली बाय द एंड ऑफ 2026 या 2027 के स्टार्ट में वो सीज वेस्ट का जो है वो पोजीशन क्लाइंट्स को जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा आप तकरीबन ढाई से तीन साल का जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो अपने माइंडसेट में रखें कि कम से कम ढाई से तीन साल में आपको जो है वो पोजिशन मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबली आपको जो है वो मिल जाएगा क्योंकि वहां दिन रात जो है वो तेजी से काम हो रहा है इसके अलावा डी एच ए गंधारा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो एक्सप्लेन कर दूँगा डी एच ए का जो बिल बोर्ड्स हैं वो अलहमद ऑलरेडी मोटर वे पर जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं जब आप लाहौर से इस्लामाबाद जब ट्रैवल करते हैं तो आप मोटर वे पर जो डी एच ए गंदारा कमिक्स उनके बिल बोर्ड्स है वो देख सकते हैं डी एच ए गंधारा जो है वो बिल्कुल एडजस्टेंट होगा ओवरसीज वेस्ट और ओवरसीज प्राइम के जिसके मास्टर प्लान जो है वो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जनरल मास्टर प्लान है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और डी एच ए ने मिलकर जो है वो बनाया है डी एच ए गंधारा सिटी जो है वो बिल्कुल एडजस्टेंट होगा ओव वेस्ट के और ओवर प्राइम टू के सो वीवर्स दिस वॉज एट फ्राम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग इंस्टॉलमेंट्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिएए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड फॉर फर्दर डिटेल्स डो विजिटिट अवर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगली वीडियो तक शारे सीमा को दीजिएगा इजाजत अला हाफ